एक बार फिर से आइडल के स्टेज पर पवन और आशीष की दोस्ती के चर्चे। नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया है बॉलीवुड झमेला। दोस्तों, सोनी टेलीविजन इस बार के लेटेस्ट एपिसोड में एक अलग ही थीम लेकर आ रहा है, जिसमें एक ही एपिसोड में गाए जाएंगे कुल 100 गाने। ये एपिसोड डेडिकेट होगा लेजेंड किशोर कुमार जी को, और इसी एपिसोड में मेहमान बनकर आने वाले हैं उन्हीं के बेटे अमित कुमार। हर एक परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। शो में इन 100 गानों को गाने, शो के कंटेस्टेंट्स, एंकर, मेहमान और जजेस कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। बात करें अगर शो के स्टार कंटेस्टेंट पवन की, तो पवन ने इस बार स्टेज के आगे और पीछे दोनों जगह धमाल मचाया। पहले स्टेज पर अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ, तो स्टेज के पीछे अपने जिगरी दोस्त आशीष कुलकर्णी के साथ इस तरह मस्ती करते हुए। पवन और आशीष की दोस्ती के चर्चे हर तरफ हैं। वो केवल दोस्त नहीं बल्कि साथ में अपना एक नाम बनाना चाहते हैं। वो दोनों जोड़ी में म्यूजिक कंपोजर्स बनना चाहते हैं। इसी का नमूना इन्होंने साथ में पिछले हफ्ते ही मनोज जी की लिखी लाइंस को एक गाना बनाकर बताया था। वैसे आपको पवन और आशीष की ये दोस्ती कैसी लगती है? आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ।